हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज नैंसी एंड यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल नैटी नैंसी। सो फ्रेंड्स, आप सोच रहे होंगे कि मैं सुबह सुबह गाड़ी में क्या कर रही हूँ। तो आज हम कहीं जा रहे हैं घूमने, हम दो तीन दिन के लिए कहीं जा रहे हैं ट्रिप पे, और ये रोड ट्रिप होने वाला है। तो वीडियो के साथ बने रहो, तभी आपको पता चलेगा कि हम कहाँ जा रहे हैं, किसके साथ जा रहे हैं और क्या क्या होने वाला है पूरे रास्ते। तो मैं और विवेक रेडी है और हम लोग घर से निकल चुके हैं, तो चलो। और आज का मौसम बहुत अच्छा है, बाहर बहुत तेज बारिश हो रही है, तो मैं आपको दिखाती हूँ रास्ते। अभी बज रहे हैं सुबह के 6:30, तो हम सुबह जल्दी उठ गए थे और जल्दी जल्दी से हमने सारा अपना फ्रेश व्रेश होके हम रेडी हो गए हैं। आपको मेरा फेस देख के लग ही रहा होगा कि मैं अभी उठी हूँ, मतलब अभी तो नहीं उठी हूँ, 1 घंटे 1.5 घंटे हो गए मुझे उठे हुए। तो चलो चलते हैं। सो फ्रेंड्स, देखो बाहर का मौसम कैसा है, एकदम बारिश हो रही है और एकदम अच्छा सा मौसम है, गर्मी एकदम नहीं लग रही है अभी तो नहीं है। फिलहाल आगे जाके देखते हैं रास्ते में कैसा मौसम मिलता है। अभी नोएडा का मौसम तो बहुत अच्छा हो रखा है। तो घर से निकलते ही सबसे पहला काम पेट्रोल लेना, तो हम आ गए पेट्रोल पंप पे और पेट्रोल ले लेते हैं। जहाँ जाना है उस हिसाब से उतना पेट्रोल तो जरूरी है गाड़ी में। घर से निकले हुए 5-10 मिनट हुए, हमने पेट्रोल लिया और थोड़ी दूर आगे बढ़े और उसके बाद इतनी तेज बारिश होने लगी, पता नहीं आज क्यों इतनी बारिश हो रही है। आज हमें घूमने जाना था, शायद इसलिए। तो हमारे साथ इस ट्रिप में हमारे दो फ्रेंड्स भी जा रहे हैं, वो है आदि और अनुराधा। तो पहले हम उनके घर जाएंगे, उनको पिक करेंगे, उसके बाद फिर अपना ट्रिप कंटिन्यू करेंगे। ये बादल और ये मौसम देख के तो लग ही नहीं रहा था कि सुबह के 7 बज रहे हैं। बहुत तेज बारिश हो रहा है। सुबह जब हम सोकर उठे तो मौसम एकदम क्लियर था, पर जैसे ही हम बाहर निकले धीरे धीरे हल्की हल्की बारिश होने लगी और ये बारिश आगे जा कर के इतनी तेज़ हो गई कि विजिबिलिटी एकदम ज़ीरो हो गया था। इसी में हम धीरे धीरे ड्राइव करते करते आगे बढ़ रहे थे। हमें जाना था नैनीताल और हम थे मेरठ एक्सप्रेस वे पे, तो हमने लिया हापुड़ वाला कट। अगर आप दिल्ली या दिल्ली NCR या नोएडा से नैनीताल जाने का प्लान कर रहे हैं, तो मैं आप लोगों के लिए एक स्पेशल वीडियो ज़रूर बनाऊंगी, जिसमें मैं एक डिटेल्ड वीडियो शेयर करूंगी पूरे रोड ट्रिप का, कि आपको कौन सा रोड फॉलो करना चाहिए, कितने का टोल लगेगा आपको और क्या क्या प्रिकॉशंस आपको लेने चाहिए नैनीताल जाने के लिए। तो उसके लिए मैं एक स्पेशल वीडियो ज़रूर बनाऊंगी। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि आगे वो वीडियो भी आने वाला है और ढेर सारा नैनीताल टूर का भी वीडियो आने वाला है। तो जाकर के चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना और बेल आइकन को भी हिट कर देना, ताकि जब भी मैं वीडियोज़ अपलोड करूँ तो उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो हम लोगों घर से निकले हुए 1 घंटे से ज़्यादा हो गया, बट अभी तक बारिश नहीं रुकी है और आगे ट्रैफिक भी है। देखते ही देखते 1-1.5 घंटे में इतनी बारिश हो गई कि रोड की ये हालत थी कि कहीं कहीं पे इतना पानी था कि हमें डर लग रहा था कि कहीं हमारी गाड़ी फंस ना जाए इसमें। पर धीरे धीरे करते करते हम आगे निकले और बारिश भी थोड़ी पहले से कम हो गई थी। 2 घंटे बारिश का मज़ा लेते हुए लॉन्ग ड्राइव पे निकले हम चार। कब रास्ते में 2 टोल प्लाजा आकर चले भी गए पता ही नहीं चला। इतना सुहाना मौसम और इतना प्यारा वेदर, तो मानो कि हमारे ट्रिप का 4 चांद लग गया था। धीरे धीरे बारिश कम हुई, हमने 2 टोल प्लाजा क्रॉस किए। कितना टोल लगा, कितना पैसे खर्च हुए, वो मैं सब आपको वीडियो के एंड में ज़रूर बता दूंगी, तो आप वीडियो को पूरा देखना क्योंकि आगे जर्नी बहुत लंबी है।
तो 2 घंटे बैठे बैठे अब बॉडी थोड़ी सी अकड़ सी गई थी, तो हम प्लान कर रहे थे कि कहीं रुक करके थोड़ी सी चाय और नाश्ता हो जाए। तो बस हम रास्ते में ढूंढ ही रहे थे कि कुछ खाने को मिल जाए। और अभी भी नैनीताल 248 किलोमीटर्स दूर है। सो फ्रेंड्स, अराउंड 2 घंटे के बाद हमने लिया है पहला स्टॉप, और यहाँ पे एक ढाबा है, शिवा ढाबा। तो हम यहाँ पे थोड़ा सा चाय वाय पियेंगे, और जिसको वॉशरूम जाना है वो वॉशरूम जाएंगे। और बारिश अभी भी हो रही है, बारिश रुकी नहीं है, तो हम छाता लेके आए हैं। तो चाय और हल्का फुल्का नाश्ता करने के बाद फिर हम चल पड़े आगे नैनीताल की ओर। अब जाके थोड़ा थोड़ा मौसम क्लियर हो रहा है, बारिश हल्का कम हो गया है। होप आगे ऐसे ना हो, बारिश ना हो ज्यादा। थर्ड टोल क्रॉस कर रहे हैं, तो कितना टोल लगा वो मैं वीडियो के एंड में बता दूंगी। ओके। अभी हमने ले लिया अपना दूसरा स्टॉप, तो यहाँ पे हम करेंगे अपना ब्रेकफास्ट, और मैं ब्रेकफास्ट घर से बना के लेके आई थी। कैसा लग रहा है खेत खेत के किनारे खाना खाते? वेदर अच्छा ना तो ठीक होता है, गर्मी नहीं। निकलते हैं यहाँ से। अभी हम लोगों को अराउंड 131 किलोमीटर और ट्रैवल करना है, जो कि मैप में 3 hours 8 minutes दिखा रहा है। तो देखते हैं कितना टाइम लगता है। बारिश तो यहाँ पे नहीं हो रही है और मौसम भी एकदम क्लियर है। तो जैसे जैसे हम नैनीताल की ओर बढ़ रहे थे, मानो जैसे हम नेचर के और करीब आ गए हैं, क्योंकि इतना खुला आसमान, ऐसे बादल और ऐसी हरियाली वहाँ कहाँ दिखती है। अच्छा लग रहा था क्योंकि हम खुली हवा में सांस ले पा रहे थे। रियल जंगल दिख रहा था, कंक्रीट का नहीं। ऐसे बादल तो नोएडा में मैंने कभी नहीं देखे। हाँ, वहाँ दिखते हैं, बट सिर्फ पॉल्यूशन का एक लेयर। बस नैनीताल कुछ ही दूरी पे है, और टेम्परेचर भी धीरे धीरे गिरता जा रहा है, और हम इन पहाड़ों की ओर बढ़ रहे हैं, दिल्ली की गर्मी से दूर, इन खुले आसमानों में। बहुत सुकून है, सच में बहुत अच्छा लग रहा था। रास्ते में कई बड़े छोटे गांव और शहर मिले, जैसे मुरादाबाद, हल्द्वानी, रामपुर और कई छोटे मोटे गांव। हमने रास्ते में आम के बगीचे, मक्के के खेत और बहुत तरह तरह की चीज़ें देखी, और सच में ये सफ़र बहुत ही अच्छा था, और ये सफ़र एक यादगार सफ़र होने वाला है। तो अभी टाइम हो रहा है 12:30, और हमें अराउंड 60 किलोमीटर और ट्रैवल करना है, जो कि अभी मैप में 1 hour 33 minutes दिखा रहा है। मौसम हमें इधर बहुत अच्छा है, सुहाना सा मौसम है, ना धूप है ना बारिश है। मेरे तरफ क्यों कैमरा कर देते हो? व्लॉग तुम्हारा है। अरे तो व्लॉग में हम अकेले दिखते रहे, और भी लोग दिखे तब ना बोर हो जाएगा मेरा ऑडियंस हमको देख देख के। तो अब हमने ले लिया अपना तीसरा स्टॉप, कि हम लोग का आइसक्रीम खाने का मन हो रहा था, बैठे बैठे बोर हो गए थे, तो सोचा आइसक्रीम खा लेते हैं। तो एक आइसक्रीम वाला यहाँ दिख गया।
हमने फिर से एक स्टॉप ले लिया भुट्टा खाने की। वाला भुट्टा खाना है आपको? खाना था, मेरे को बदनाम कर रहे हैं। तो जंगल के बीच में बंदरों के साथ हम भुट्टा खा रहे हैं। क्या बोल रहे बिहार? खा नहीं, हमको नहीं खाना है। टेस्ट तो करिए। अरे भाई, हमको नहीं अच्छा लगता है यार। जो आपको पसंद होगा वो उनको पसंद नहीं होगा। होता है ऐसा। लेके चल गया, पता नहीं क्या लेके भागेगा, क्या दुख रहा है। तो देख रहे हो आप ये प्यारा सा जंगल, और इस प्यारे से जंगल में एक सुंदर सा रोड, मानो जैसे कि कोई पेंटिंग देख रही हूँ मैं। तो मुझे आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि आपको ये वीडियो कैसा लग रहा है। मुझे आपके कमेंट्स पढ़कर बहुत अच्छा लगता है, और वीडियो पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, ताकि मुझे ऐसे ही मोटिवेशन मिले आपके लाइक्स और कमेंट्स पढ़कर, ताकि मैं आगे और ऐसे रोड ट्रिप्स करूं और ऐसे ही वीडियोस आपके साथ शेयर करती रहूं। सो फ्रेंड्स, हमने प्लेन्स में तो ड्राइव कर लिया, अब मेन चैलेंज है हमें हिल्स में ड्राइव करने का। तो नैनीताल पहुंचने के लिए अराउंड 30-35 किलोमीटर्स का हिल्स पे ड्राइव है, जो कि एक सिंगल रोड है और दोनों साइड से गाड़ियां आती हैं। तो आपको मेरा यही सजेशन रहेगा कि आप धीरे धीरे आराम आराम से जाएं, जल्दी करके कोई फ़ायदा नहीं, ये आपके लिए भी अच्छा नहीं और रोड पे चलने वाले बाकी लोगों के लिए भी। तो पूरा रोड ऐसे 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 कर रहे खाई तो ज्यादा ही है यार, क्या बोलूं, इधर भी वही है, सेम है, अच्छा खासा हाइट है। हाँ, अभी तो हाइट आया का अभी चढ़ते जा रहे हैं, अभी तो 28 किलोमीटर चढ़ना है। कुछ पूछ रहे ही नहीं, 28 किलोमीटर चढ़ना है अभी। हम लोग बहुत ऊपर आ चुके हैं, थोड़ा और ऊपर जाएंगे तो ऊपर चल जाएंगे। ऊपर के बस तो बहुत ज़्यादा हाइट है, मतलब अभी भी 25 किलोमीटर बाकी है हिल्स पे। दिन में तो धूप लगेगा ही, धूप है तो। तो यहाँ पे एक जगह हमने रुक के फोटो वोटो क्लिक कर लिया, क्योंकि व्यू बहुत अच्छा था। तो फोटोज अगर आपको देखना है तो आप जाके इंस्टाग्राम पर देख सकते हो, इंस्टाग्राम आईडी यहाँ पे आ रहा होगा, और लिंक पे मैं डिस्क्रिप्शन में भी मैंने लिंक डाल दिया है, तो आप वहाँ जाके फोटोज देख सकते हो, इंस्टाग्राम को फॉलो कर सकते हो। तो अभी फिलहाल हमारा 24 किलोमीटर बाकी है, जो कि 48 मिनट मैप पे दिखा रहा है, और ये पूरा हिल है, पूरा चढ़ाई है। तो धीरे धीरे हम जा रहे हैं आराम आराम से। क्या व्यू, एकदम पूरा बादल आ गया, एकदम हम लोग बादलों के बीच में।
आगे एकदम पूरा बादल आ गया और विजिबिलिटी एकदम कम हो गया है। हम काफी ऊपर आ गए हैं हाइट पे। वो देखिए पानी। तो हम लोग आ गए हैं नैनीताल और बस हम लोग नैनीताल में एंटर करने ही वाले हैं। यहाँ पे थोड़ा सा जाम लगा हुआ है, शायद चेकिंग वेकिंग हो रही होगी आगे, पता नहीं। लोग गर्मियों की छुट्टी में आते हैं नैनीताल घूमने। अभी तो हल्की हल्की बारिश होने लगी है तो भीड़ थोड़ी सी कम है, पर मई और जून के महीने में यहाँ पे पीक सीज़न होता है और आप देख रहे हो कि इस वेदर और इस मौसम को देखने के लिए, ये प्यारा सा व्यू देखने के लिए कौन नहीं आना चाहेगा। तो हम भी आ गए हैं नैनीताल घूमने के लिए। तो दो दिन हम नैनीताल घूमने वाले हैं और आपको भी पूरा नैनीताल घुमाने वाले हैं, तो वीडियो ज़रूर देखना क्योंकि आगे ढेर सारे व्लॉग्स आने वाले हैं। पूरे रोड का और डायरेक्शंस का एक प्रॉपर वीडियो मैं जल्दी बनाऊंगी कि अगर आप दिल्ली और नोएडा से आ रहे हो तो आपको कौन सा रूट फॉलो करना चाहिए। पर जैसा कि मैंने बोला था कि मैं वीडियो के एंड में बताऊंगी कि टोटल टोल कितना लगा, तो दिल्ली से या नोएडा से आपको यहाँ तक नैनीताल तक पहुँचने के लिए टोटल टोल लगेगा 385 रुपीज़ का। सो फ्रेंड्स, हम लोग पहुँच गए अपने डेस्टिनेशन पे और यहाँ का व्यू मैं दिखाती हूँ आपको। ये देखो, तो अभी टाइम हो रहा है अराउंड 3 बज रहे हैं, तो हमें सुबह 7 बजे हम निकले थे घर से, आपने देखा, और 3 बजे बजते बजते हम होटल पहुंच चुके हैं यहाँ पे। तो ये था आज का जर्नी। तो आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना। वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल एंड ऑल्सो हिट द बेल आइकन। मेरा लगता है गला बैठ गया थोड़ा सा, पर ठीक है, ये व्यू के सामने सब चलता है। तो अभी हम जाते हैं अंदर, उसके बाद फिर मैं आपसे मिलती हूँ ये व्लॉग को कंटिन्यू करते हुए कि हम कहाँ कहाँ घूमते हैं, कहाँ जाते हैं, क्या क्या करते हैं, सब देखने को मिलेगा। तो वीडियो के साथ बने रहो और बेल आइकन को हिट कर दो ताकि आगे जब भी वीडियोस आए तो उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो चलो अभी मैं जाती हूँ, फिर आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।